Hey everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. This is the 8th video of our revision series, and from this video I will be starting the practice of 6 mark questions, and this is the chapter 1. So इस वाले वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि जितने भी चैप्टर 1 के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस बनाने का कोशिश किया है. एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल बिकॉज आई नो दैट देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्हें कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आता है, उनसे अगर आप ओरली पूछते हैं तो वो बता भी सकते हैं, लेकिन जब टाइम आती है लिखने की कई बार ऐसी गलतियां वो कर देते हैं जिसके वजह से कि मार्क्स कट हो जाता है. एंड बेशक ये बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है, इसलिए मैं वो स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगी कि जिन्हें लगता है कि उनका राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए वो ये वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आंसर शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से रिविज़न करवाने की कोशिश करूँगी, जैसे आपको अच्छी तरह से ये सारे आंसर्स याद भी रह जाएँ और आपको राइटिंग स्टाइल भी समझ में आ जाए कि आपको कैसे पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को लिखना है एंड हाउ टू स्कोर वेल इन योर साइकोलॉजी पेपर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल कि जो बच्चे अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हैं मैं बोलूँगी कि वो भी इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आंसर शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे कीवर्ड्स को मार्क करना है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है और कैसे आपको डिवाइड करके अकॉर्डिंगली अपने आंसर को उसी पॉइंट वाइज में लिखना है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू जेन्युइनली वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर CBSE, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच माई वीडियोज फॉर योर रिविजन एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट. डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ एनी टू मेथड्स यूज फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है, पहला सवाल वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट पूछता है कि असेसमेंट का मतलब बताएं, और दूसरा वाला बोल रहा है कि किसी दो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें. तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, माय फर्स्ट पॉइंट विल बी द मीनिंग ऑफ असेसमेंट. सो एज यू कैन सी आई हैव डिफाइंड असेसमेंट एंड इट्स रिटन दैट असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द इवैल्यूएशन ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. ये है आपके एनसीईआरटी बुक का डेफिनेशन, तो मैंने एग्जैक्टली उसी को लिखा है और आपको भी यही वाला डेफिनेशन लिखना है. और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप मेरी तरह अपने पेपर में भी लिखने के बाद ऐसे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देंगे, यानी अंडरलाइन कर देंगे, जैसे कि मैंने मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अंडरलाइन किया हुआ है और मेरा आंसर एकदम से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है. आई हैव नॉट यूज्ड पैराग्राफ्स एंड बिकॉज माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट स्मॉल, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा. एंड डोंट पैनिक, क्योंकि आपके एंटायर पेपर में सिर्फ 2 6 मार्क क्वेश्चंस आने वाले हैं, विच इज़ 6 एंड 6 12 मार्क्स के. सो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट कीप फॉलोइंग माई प्रैक्टिस सीरीज और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ये वाले पार्ट को लेके. सो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बनाया है वो है टू मेथड्स यूज्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट. तो मैंने 2 मेथड चूज़ किया, बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे दिए गए हैं बुक में. फर्स्ट वन इज़ इंटरव्यू. आई हैव फर्स्ट डिफाइंड इंटरव्यू. दिस मेथड इन्वॉल्व्स सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन अ 1-to-1 बेसिस. देन टू बी ऑन द सेफ साइड, आप हमेशा से जब भी आपको कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप उसे फर्स्ट डिफाइन कीजिए, उसके बाद प्लीज़ एग्जाम्पल देना मत भूलिए. तो जैसा कि मैंने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यू कैन सी द मेथड ऑफ इंटरव्यू इज़ यूज व्हेन अ काउंसलर इंटरेक्ट्स विद अ क्लाइंट. जर्नलिस्ट इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट पीपल ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. तो आप एक भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट यू इंक्लूड योर एग्जाम्पल्स इन योर आंसर. एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ 2 कलर्ड पेन्स, जैसा कि मैंने अपने आंसर्स में यूज़ किया है ब्लू एंड ब्लैक का, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका पेपर और भी ज़्यादा नीट लगेगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा.
एंड ब्लू पेन में लिखने के बाद अगर आप ब्लैक पेन से उसे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, मेन मेन वर्डिंग्स को, मेन मेन टॉपिक्स को अगर आप ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर को भी बहुत ईजी होगा आंसर चेक करने में एंड यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन. आई हैव अगेन डिफाइंड द टर्म और फिर से मैंने एग्जाम्पल दिया है. सो ऑब्जर्वेशन क्या है? इट इज़ द मेथड विच इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमेना अकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम एंड देन आई हैव गिवन द एग्जाम्पल. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर टू. माही इज अ वेल ट्रेन्ड डांसर. शी इज एडमायर्ड बाय हर पीयर ग्रुप फॉर बींग इक्वली टैलेंटेड इन अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज वेल. According to Howard Gardner, Mahi possesses which intelligence? Explain briefly the theory of multiple intelligences. तो यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन पढ़ी, आपको समझना चाहिए कि ये कैसे डिवाइडेड है. यहाँ पर फर्स्ट लाइन बोला कि माही एक अच्छी डांसर है और डांसिंग के साथ साथ वो दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी अच्छा करती है. तो जब वो ये चीज़ों में अच्छी है, तो हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि माही में कौन सा इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा? सो अगर आपने बॉडीली काइनेस्थेटिक समझ लिया है, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट लाइन में है, एक्सप्लेन ब्रीफली द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. तो मैं आपको बोलना चाहूँगी ये बात कि प्लीज़ जब आप अपना मेन एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, देन मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन पेपर एंटायरली फॉर वंस. एक लाइन पढ़कर ही आप लिखना मत शुरू कीजिए, उस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद फिर से दोबारा से स्टार्टिंग से रीड करके आप अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं. सो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, माही इज हाई ऑन बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. देन आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन the theory of multiple intelligences. So as you can see, the second point is something like, the theory of multiple intelligences describes 8 type of intelligences and they are as follows. First is linguistic. मैंने इसको define किया है और जैसे कि आप मेरे videos से अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा linguistic intelligence क्या होता है. It refers to the skills involved in the production and use of language. हम कैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, कैसे फ्लुएंटली यूज़ करते हैं, कैसे वेराइटीज़ ऑफ वर्ड्स को समझ सकते हैं, अपने आप को लैंग्वेज से, अपने थॉट इमोशन को हम अपने लैंग्वेज से कैसे एक्सप्रेस करते हैं ताकि सामने वाला पर्सन हमें समझ सके. तो लैंग्वेजेस, डिफरेंट nuances ऑफ वर्ड्स को समझने वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये लिंग्विस्टिक एबिलिटी ज़्यादा होता है. सो डोंट मिस दिस पॉइंट विच आई हैव इंक्लूडेड हियर, विच सेज दैट पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर नोन एज वर्ड स्मार्ट. तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने अपने आंसर में वर्ड स्मार्ट वाले की वर्ड को अंडरलाइन किया है, आपको भी मेरी तरह ऐसे अंडरलाइन करना है. एंड अगर आप चाहते हैं तो आप इसके एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पोइट्स एंड राइटर्स. Next is the, I mean second ability or intelligence is the logical mathematical. Again, I have tried to define what is logical mathematical intelligence. It refers to the skills involved in scientific thinking and problem solving. कैसे scientific thinking और problem solving के लिए जो intelligence चाहिए होता है, उसे हम logical या mathematical ability कहते हैं. So persons high on this, they engage in logical and critical thinking, abstract reasoning. They manipulate symbols to solve mathematical problems. For example, the scientist and Nobel Prize winners. तो ऐसे लोगों में ये ability बहुत ज़्यादा होता है. Third जो आता है type of intelligence according to Howard Gardner in his theory of multiple intelligences is the special intelligence. यहाँ पर it refers to the skills. मैंने again उसे define किया हुआ है and I have tried to give the examples like pilots, sailors, architects, etc. सेम गोज़ फॉर द म्यूज़िकल. आपको पता होगा कि जिन लोगों में म्यूज़िकल रिदम्स और म्यूज़िकल पैटर्न्स, डिफरेंट साउंड वाइब्रेशंस और ये सारी चीज़ों को समझने की ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये सारी चीज़ों को लेके, उनमें ये म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है. दे आर ऑल्सो एबल टू क्रिएट न्यू पैटर्न्स ऑफ साउंड. सो एग्जाम्पल्स आर क्लियरली म्यूजिशंस. नेक्स्ट इज़ द बॉडली काइनेस्थेटिक. इट मीन्स दैट यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी flexibly and creatively for display
और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जैसा कि माही का एग्जांपल गिवन है, माही इज़ हाई ऑन दिस एबिलिटी क्योंकि वो एक अच्छी डांसर है. तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी मेंशन कर दिया है, जैसे डांसर्स, एथलीट्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, उनमें ये वाली इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा होता है. Sixth one is interpersonal intelligence. It is the sensitivity to subtle aspects of others' behavior. आप कैसे आपके सामने वाले person के motive को, feeling को, behavior को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उस person के साथ आप एक comfortable relationship में bond कर सकते हैं, उसका मतलब होता है interpersonal intelligence. And examples include जैसा psychologist होते हैं, counselors होते हैं, even politicians are also high on this type of intelligence. Next, the seventh one is intrapersonal. It refers to the awareness of one's own feelings, motives and desires, the knowledge of one's internal strengths and limitations. आप कितने हद तक अपने बारे में समझते हैं, आपको अपने बारे में कितना नॉलेज है कि आपको क्या चाहिए, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपके अंदर के डिज़ायर्स क्या हैं, आप कितना अपने आप को पहचानते हैं, दैट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. तो ज़्यादातर फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स में ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है. सो आई हैव मेंशन दैट इन माई आंसर एज यू कैन सी. नेक्स्ट इज़ नेचुरलिस्टिक. आई हैव डिफाइंड एंड देन आई हैव गिवन द एग्जाम्पल्स ऑफ फार्मर्स, हंटर्स, बॉटनिस्ट एट्सेट्रा. Now I would like to include कि ये जो theory of multiple intelligences है उसके question इतना मतलब उतना likely नहीं है कि 6 mark में include करें, वो 2 marks में या फिर 4 marks में भी इस topic से आपको सवाल पूछ सकते हैं. लेकिन क्योंकि मैं चाहती थी कि आपका अच्छी तरह से revision हो जाए, मैंने इस question को अपने इस वाले 6 marks में include कर लिया है. So in order to just revise, you know, so I hope that you are clear with this. Next question number 3 is distinguish between psychometric and information processing approach to study intelligence. Elaborate any one theory representing information processing approach. तो पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? पहला पार्ट हमसे बोल रहा है कि आपको डिफरेंसेस बतानी है. डिस्टिंग्विश बिटवीन मीन्स आप डिफरेंसेस बताएं साइकोमेट्रिक अप्रोच और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू स्टडी इंटेलिजेंस के बीच में. सो इन दोनों के दरमियान कौन से टाइप के डिफरेंसेस मौजूद हैं, मैंने उसे टेबल के फॉर्म में बना करके आंसर में लिखा है. एंड आई वांट यू टू डू द सेम, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करते हैं. सो फर्स्ट इज साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच. इट कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस used in intellectual reasoning and problem solving. The second point here is in structural approach or psychometric approach, it expresses an individual's performance as a single index of cognitive abilities and studies the structure of intelligence. And on this side, it shows that it focuses on how an intelligent person acts, emphasizing the studies of the cognitive functions underlying the intelligent behavior. तो psychometric का जो main thing है, main focus है, वो ये है कि वो intelligence को मतलब mind के structure को समझने की कोशिश करता है और हर एक intelligence के मतलब हर एक type of intelligence को वो as an aggregate of abilities में consider करता है. And information processing में it focuses more on the underlying cognitive functions of the mind to study the intelligent behavior. Now next part of the question जहाँ पर पूछा है कि एक theory आप बताएं जो represent करता है information processing approach to study intelligence को. तो जो एक theory मैंने choose किया है वो है ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए था कि आपको अच्छी तरह से रिविजन हो जाए, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया है. सो लेट्स लुक एट व्हाट हैव आई रिटन. दिस थ्योरी रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू स्टडी इंटेलिजेंस. एंड आप ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि इसे प्रपोज किसने किया. इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिन्होंने कि इंटेलिजेंस को किस कदर डिफाइन किया. He has defined intelligence or he views intelligence as the ability to adapt, shape and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के इस थ्योरी से हमें 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देखने को मिलता है. पहला इस द कॉम्पोनेंशियल और द एनालिटिकल इंटेलिजेंस. इसे एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि
इट इज़ द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. इस वाले इंटेलिजेंस में हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. इसी के लिए कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा गया है. एंड इसे कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहा गया है बिकॉज इट हैज़ थ्री कॉम्पोनेंट्स. पहला कॉम्पोनेंट है नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैसे चीज़ों को लर्न करना है, नॉलेज को कैसा एक्वायर करना है. जो भी आपके सामने नॉलेज है, कोई भी स्किल है, आप उसे कैसे एक्वायर कर रहे हो, किस कदर आप उसे लर्न कर रहे हो वो चीज़ करने के लिए, कोई भी स्किल है या कोई भी पढ़ाई है. सो दैट इज़ नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट. सेकेंड इज़ द मेटा और हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट. नाउ दिस इन्वॉल्व्स द प्लानिंग कंसर्निंग वॉट टू डू एंड हाउ टू डू. मेटा में मैंने कहा कि हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट है, तो हायर ऑर्डर में इसी के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आप इस वाले कॉम्पोनेंट में आप सोचते हैं, आप अपने दिमाग में प्लानिंग करते हैं कि क्या चीज़ करनी है, किस कदर करनी है, क्या क्या चीज़ों का, कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है. तो ये सारी चीज़ें मेटा कॉम्पोनेंट में आती हैं. लास्ट कॉम्पोनेंट जो है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का, वो है परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट. इट इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग थिंग्स. नेक्स्ट द सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अंडर द ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग अप्रोच इज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. इसे हमने एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस क्यों कहा, बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर दो दो जगह पर मैंने अंडरलाइन किया है, पास्ट एक्सपीरियंसेस और क्रिएटिवली में. तो आपको भी ऐसे ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है क्योंकि एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ जो भी सीखे रहते हैं उसे हम नए टाइम में नए प्रॉब्लम्स के आगे हम उसी एक्सपीरियंसेस का नॉलेज को क्रिएटिवली अप्लाई करते हैं और उसी नए वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसी के लिए इसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहा गया है. इट इज़ द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन एन ओरिजिनल वे टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस. थर्ड टाइप इज़ द कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस. इट इज़ द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन अ डेली बेसिस. तो जो भी आपके दिन ब दिन के जो भी एनवायरमेंटल डिमांड्स होते हैं, हम डेली बेसिस में जिनके साथ एनकाउंटर करते हैं, उन्हें सॉल्व करने वाला एबिलिटी इस वाले इंटेलिजेंस में देखा गया है. तो इसी के लिए ये बहुत प्रैक्टिकल है, डेली बेसिस में यूज़ होता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड इट मे बी रेफर टू एज. जिन लोगों में कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है उन्हें हम स्ट्रीट स्मार्टनेस या फिर बिजनेस सेंस भी कहते हैं. सो पीपल हाई ऑन दिस, वो इजीली चीज़ों पर, मतलब प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, उनके आसपास की जो भी एनवायरनमेंट है उसमें इजीली अडैप्ट कर लेते हैं, या फिर दे सिलेक्ट अ मोर फेवरेबल एनवायरनमेंट दैन द एग्जिस्टिंग वन, और दे कैन इवन मॉडिफाई इट टू फिट देयर नीड्स. हेंस दे टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एज अ स्टूडेंट यू माइट हैव फेस्ड दिस सिचुएशन. When your teacher says that she or he will be taking a full syllabus test next week, you start planning for achieving good marks in the test. You are more attentive in the class, take notes, set study targets, and divide the chapters into categories from easy to difficult, etc. Identify and explain the theory of intelligence, which includes प्लानिंग एज एन एसेंशियल फीचर. तो यहाँ पर ये एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि एक केस सॉर्ट ऑफ दिया गया है. तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, जो सीन बताया वहाँ पर कह रहा है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा कई बार होता है जब उनकी टीचर आके बोलती है कि दो दिन बाद या नेक्स्ट वीक मैंने आपका इस वाले चैप्टर का या फुल सिलेबस का टेस्ट लेना है. तो जब आप सुनते हैं तो उसके बाद उसी दिन आप घर जाके करते क्या हैं, आप कैसे प्लानिंग करते हैं अपनी पढ़ाई का, कैसे आप चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं कि जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसे पहले करना है, जो मॉडरेट है उसे बाद में भी किया जा सकता है, ईजी वाला हम उस दिन के प्रीवियस डे में कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, दिस यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच इंक्लूड्स प्लानिंग एज एन एसेंशियल फीचर. तो अगर आपने अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी की है तो आपको अब तक तो आंसर पता चल गया होगा कि ये कौन सी थ्योरी की बात हो रही है. द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज द पास मॉडल. नाउ पास मॉडल किसने डेवलप किया, मैंने लिख दिया है इट इज डेवलप बाय जेपी दास, जैक नागलियरी एंड कर्बी. नाउ वी नीड टू डिफाइन, मतलब वी नीड टू एक्सप्लेन द थ्योरी और कैसे इस सिचुएशन में वो उस चीज़ को हम
इंक्लूड करेंगे, उस चीज़ को लागू करेंगे, हम देखेंगे आंसर में. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ थ्री न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स. तो ये जो भी लाइन्स हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक से हैं, एंड दैट्स वाई आई टेल यू कि आप अपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आपके बुक से ही आएगा और उसका आंसर भी आपके बुक में ही होगा. बट यू नीड टू बी अटेंटिव वेल स्टडिंग. आपको ऐसे नॉवल की तरह रीडिंग नहीं करना है. जब आप पढ़ रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर रीडिंग. सो नाउ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग. पहला जो सीन है, पहला जो स्टेज होता है प्लानिंग का, पास मॉडल का, वो होता है अराउजल अटेंशन. स्टेट ऑफ अराउजल इज बेसिक टू एनी बिहेवियर एज इट हेल्प्स अस इन अटेंडिंग स्टिमुली. सेकेंड पॉइंट इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल फोकसेस आर अटेंशन टू द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम. तो कैसे एक स्टेट ऑफ अराउजल जो है वो हमें चाहिए होता है ताकि हम उस दूसरे जो भी स्टिमुलस है उसको हम अटेंशन दे सकें. तो अटेंशन के लिए पहला स्टेट ऑफ अराउजल ज़रूरत है, और वो भी क्या, उस अराउजल का एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए. वो ज़्यादा कम या ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा या एकदम से कम होगा तो वो काम नहीं करता, उसमें हमारा अटेंशन जाता ही नहीं है. सो एक ऑप्टिमल लेवल रिक्वायर्ड है. हैंस इट विल हेल्प यू टू पे अटेंशन एंड हैव एन इंटेंशन टू स्कोर गुड. तो जब आपने टीचर को सुना बोलते हुए, तब आपके मन में आया कि ओके मेरा टेस्ट है तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि मुझे घर से डांट ना पड़े तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. तो आपने क्या किया, अराउजल हुआ, उसके बाद आपने उस टॉपिक को अटेंशन दिया. सेकेंड प्रोसेस और द स्टेज इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. यहाँ पर आपको डिफाइन करना है दोनों टर्म्स को. एंड हैव ऑल्सो गिवन एग्जाम्पल्स, लाइक फॉर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग आई हैव गिवन RPM टेस्ट, एंड फॉर सक्सेसिव आई हैव गिवन लर्निंग ऑफ डिजिट. साइमल्टेनियस में क्या होता है कि जितने भी स्टिमुलस होते हैं हम उन्हें इंटीग्रेट करके एक साथ उनके बीच का रिलेशन समझ के हम उन्हें एक साथ परसीव करने की कोशिश करते हैं. एंड सक्सेसिव में क्या होता है, द रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू अनदर. जैसे आप कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि वन के बाद फोर आएगा, आप नेचुरली बोलेंगे वन के बाद टू आएगा, टू के बाद थ्री आएगा. तो ये क्या है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग है. तो आपके एग्जाम के वक्त जो सिचुएशन दिया गया है, जो केस दिया गया है क्वेश्चन में, वहाँ पर हैंस बोथ साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग शैल बी यूज टू लर्न एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट्स फॉर द टेस्ट ऑफ द सेम. लास्ट इज द प्लानिंग. दिस प्रोसेस अलाउज अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस, इम्प्लीमेंट देम टू रीच टारगेट एंड इवेलुएट देयर इफेक्टिवनेस. So we need to include this line in our answers. Planning is an essential feature of intelligence. If a plan does not work, उसे हम modify भी कर सकते हैं. Hence, planning के process में हम goals को set करते हैं, study schedule prepare करते हैं, जो भी हमारे मन में doubts होता है, chapter समझ में नहीं आता उसको solve करने की कोशिश करते हैं. So these all things are done in the last stage, which is planning. तो इसी के लिए इसका model का जो नाम है वो PASS model है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं आपको जैसे जैसे आंसर्स बता रही हूँ, आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने हर एक आंसर को पॉइंट वाइज लिखा है. आपको भी ऐसे ही पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, और क्वेश्चन को भी इसी तरह से डिवाइड करना है और समझना है इन ऑर्डर टू स्कोर वेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Shravan and Shaurya are exceptionally intelligent children of highly successful doctor parents. While Shaurya is their biological child, Shravan is an adopted one. How can you explain the similarities in their intelligence with their doctor parents? What type of test would you suggest to assess their intelligence? Okay, तो यहाँ पर scene में बताया है कि श्रावण और शौर्य दो भाई हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं. तो डॉक्टर्स हैं तो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, तो उनके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट हैं. लेकिन शौर्य जो है वो डॉक्टर पेरेंट्स का अपना चाइल्ड है, लेकिन श्रावण जो है ही इज़ दी अडॉप्टेड वन. अपना का मतलब है शौर्य इज दी बायोलॉजिकल चाइल्ड. शौर्य बायोलॉजिकल चाइल्ड है और श्रवण अडॉप्टेड है. तो दोनों की इंटेलिजेंस में सिमिलैरिटीज कैसे हो सकता है, और दोनों अपने डॉक्टर पेरेंट्स की तरह कैसे हैं? और उनके इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि आप कौन सा वाला टेस्ट या कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट सजेस्ट करना चाहेंगे. तो अगर आपके पेपर में ये सवाल पूछा जाता है तो मेक श्योर कि आपके आंसर का पहला लाइन यही होना चाहिए कि इंटेलिजेंस इज एन इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर. नेक्स्ट लाइन इज द एविडेंस फॉर हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस ऑन इंटेलिजेंस कम्स मेनली फ्रॉम स्टडीज ऑन ट्विन्स एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन. तो यहाँ पर मैंने इंटेलिजेंस कोरिलेशन का, जो आपके बुक में पैराग्राफ वे में मौजूद है, मैंने उसको एक
टेबल बनाने की कोशिश की है यहाँ पे, एंड आई वॉन्ट दैट यू शुड ऑल्सो डू द सेम. आप पहले ये लाइन लिखेंगे, इंटेलिजेंस इज एन इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर. उसके बाद ये टेबल को बनाएंगे एंड देन वी नीड टू राइट दिस. द अबव टेबल क्लियरली सेज दैट हेरिडिटी सेट्स अ रेंज. मतलब हेरिडिटी तो है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंटेलिजेंस को, लेकिन उसके साथ साथ एक पर्सन के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए उसका इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में. देयर इज एविडेंस दैट एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन लोअर्स इंटेलिजेंस, वाइल रिच न्यूट्रिशन, गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड क्वालिटी स्कूलिंग इंक्रीजेस इंटेलिजेंस. तो आप देख सकते हैं कि जब हम न्यूट्रिशन को अच्छा करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूलिंग को अच्छा करते हैं, तो नॉर्मल बच्चे का भी इंटेलिजेंस बढ़ जाता है. मतलब क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा होता है इसलिए. सो विथ रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ एनवायरनमेंट, स्टडीज हैव रिपोर्टेड दैट एज द चिल्ड्रन ग्रो इन एज, देयर इंटेलिजेंस लेवल टेंड्स टू मूव क्लोजर टू देयर टू दैट ऑफ देयर अडॉप्टिव पेरेंट्स. हेंस अश्रावण एंड शौर्या आर द चिल्ड्रन ऑफ हाईली सक्सेसफुल डॉक्टर पेरेंट्स. देयर इंटेलिजेंस लेवल मैचेस इवन दो श्रावण इज अडॉप्टेड. और लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा है, टू आंसर दैट आई हैव रिटन एंड टू असिस्ट देयर इंटेलिजेंस, द सजेस्टेड टेस्ट वुड बी द इंटेलिजेंट क्वेश्चन और द आईक्यू टेस्ट गिवन बाय विलियम स्टर्न. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6. What are the differences in the potential for creativity across individuals and the manner in which it is expressed? Write the features of the test of creativity. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि कैसे हर एक पर्सन के अंदर जो क्रिएटिविटी होता है उसमें भी कैसे डिफरेंसेस आ सकते हैं और उनका पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी जो है उसमें कैसे डिफरेंस आता है. तो फर्स्ट लाइन शुड बी अ सर्टन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज नेसेसरी टू बी क्रिएटिव, बट ए हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हाउएवर डज नॉट इंश्योर हायर क्रिएटिविटी. दिस मीन्स कि क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, एक पर्सन में क्रिएटिविटी मौजूद होने के लिए ज़रूरी है, एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ज़रूर मौजूद होना चाहिए उस पर्सन में. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो नेसेसरीली क्रिएटिव भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी मतलब ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट इज वेरिएशंस इन द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिविटी अक्रॉस इंडिविजुअल्स आर मेनली ड्यू टू, क्यों है ऐसा डिफरेंसेस, हम क्यों देखते हैं कि एक पर्सन जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है, दूसरा वाला बिल्कुल क्रिएटिव नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मौजूद है. भले ही आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. और अदर फैक्टर्स जैसे कि आपके अंदर का मोटिवेशन, आपका कमिटमेंट, फैमिली सपोर्ट, पीयर इन्फ्लुएंस, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, दीज आर ऑल्सो वी कैन नॉट इग्नोर. हेंस the expression of creativity can be seen in the works of professionals. तो इसलिए बोला गया, मतलब individuals के बारे में पूछा गया कि individuals across individuals differences क्यों हैं. तो professional लोगों के भी works में हमें expression of creativity देखने को मिल सकता है, ज़रूर देखने को मिलता है. जैसे कि बहुत सारे inventors होते हैं, scientists होते हैं, artists, poets, ये लोग बहुत creative होते हैं और कुछ नया प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. एंड हम ऑर्डिनरी लोगों के भी कामों में क्रिएटिविटी देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल लोग कुकिंग में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, पॉटरी में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कार्पेंट्री में. सो दीज वर द एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि क्रिएटिविटी टेस्ट के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में कुछ बताएं. तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो क्रिएटिविटी टेस्ट होता है, इट मेजर्स द क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी. और क्रिएटिविटी टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हम दोनों ही थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग का भी और डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी. एंड द क्रिएटिविटी टेस्ट, इट असेसेस द एबिलिटीज ऑफ आर इमेजिनेशन एंड स्पन्टेनियस एक्सप्रेशन. तो कैसे आप अपने इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं और कैसे आप अपने स्पन्टेनियस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए? टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, टू सी न्यू रिलेशनशिप्स, टू डू ऑल दीज थिंग्स वी रिक्वायर आर इमेजिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन. एंड लास्ट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिएटिविटी टेस्ट में, वो काफ़ी ओपन एंडेड होते हैं. ओपन एंडेड का मतलब है कि उसका एक जवाब नहीं होता, एक सही जवाब नहीं होता. जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 1+1 क्या होता है, तो उसका जवाब एक ही है, 1+1 2 ही होता है. लेकिन इस वाले टेस्ट में जो क्वेश्चंस यूज़ किए जाते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो काफ़ी ओपन एंडेड होते हैं.
जिनका कि एक आंसर से ज़्यादा हो सकता है. दैट्स वाई इट इज़ लाइक बोला गया है कि आप इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज़ करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता है और ख़ुद का इमेजिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. मैंने कोशिश किया था कि मैं हर एक इम्पॉर्टेंट एरिया से, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से चैप्टर का मैं लॉन्ग आंसर बनाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको एक रिविजन भी हो जाए मेरा ये वीडियो देख के. सो दैट्स वाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, या जो भी CBSE के बच्चे हैं वो 12th का बोर्ड्स देने जा रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियोस को शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर देम एज वेल एंड इट्स ऑल्सो हेल्पफुल टू यू. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप इससे बेनिफिट कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं अपने व्यूज़, एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.